शुरू कर दिया। संधि प्रकरण, संधि प्रकरण में आपको बताया अभी कि संधियां तीन प्रकार की होती हैं, एक होती है स्वर, दूसरी होती है व्यंजन और तीसरी होती है विसर्ग संधि। और संधि जो होती है दो वर्णों के मेल में संधि का निर्माण होता है, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो वहां पर संधि उत्पन्न होती है। संधि करने में अब आपकी आ जाती है स्वर संधि। स्वर संधि के लगभग कितने भेद होते हैं? पांच। यदि पांच से ज्यादा भी होते हैं, अक्सर हम सात भेदों को पूछते और कहते हैं। व्यंजन ये अनंत रहती है, अनंत नहीं कहना चाहिए लेकिन फिर भी बहुत सी है। इसी तरह से विसर्ग भी हम अनंत कह सकते हैं, बहुत सी होती है। तो लेकिन यहाँ पर स्वर में हमें संख्या निर्धारित रहती है, लगभग लगभग पांच हम ज्यादा पढ़ते हैं और अधिकतम हम सात तक पढ़ लेते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि संधि प्रक्रिया होती कैसे है। हमने कहा यहाँ पर दो क्या होते हैं, शब्द आपस में, दो वर्ण आपस में मिलते हैं, लेकिन जो दो वर्ण होते हैं वो केवल वर्ण नहीं मिलते हैं अपितु वो शब्द होते हैं। क्या होते हैं वो? भाई शब्द के अंतर्गत वर्ण होते हैं। तो हमारे मिल रहे हैं दो शब्द, लेकिन प्रथम जो शब्द होता है तो हम शब्द न कहकर इसको हम पद कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं? हम पद कह लेते हैं, क्योंकि ये जब दो आपस में मिलेंगे तो ये पद हो जाते। तो जो पहला पद है, फर्स्ट पद का अंतिम वर्ण मिलता है। कौन सा वर्ण मिलता है? बस महत्वपूर्ण बात संधि में यह रहती है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आपस में जब मिलता है तो संधि उत्पन्न होती है। जैसे इन संधि, जैसे वर्णों का मिलाप होता है, संधि का नाम उसी प्रकार से बदलता जाता है। अगर प्रथम पद के अंत में स्वर हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में भी स्वर वर्ण हो तो संधि का नाम स्वर संधि होता है। पहचान बता रहा हूं, अगर प्रथम पद के अंत में व्यंजन है और द्वितीय पद के प्रारंभ का वर्ण स्वर हो अथवा व्यंजन हो, ऐसी अवस्था में वर्ण संधि का नाम क्या होगा? व्यंजन संधि होगा। अगर प्रथम पद के अंत में विसर्ग है, प्रथम पद के अंत में विसर्ग लगा है और द्वितीय पद के प्रारंभ में स्वर अथवा व्यंजन कुछ भी आ जाए तो संधि का नाम हमेशा विसर्ग संधि ही होगा। अब यहां पर स्वर संधि और विसर्ग संधि तो एकदम निश्चित होते हैं, कसम खा लो कोई यहां पर समस्या नहीं है, लेकिन व्यंजन संधि में एक संधि अपवाद है, एक अपवाद है और वो उस अपवाद संधि का नाम है तुगागम संधि। क्या नाम है उसका? तुगागम संधि नाम है। इसका छेच सूत्र होता है, यहीं पर मैं पहले आपको बता दे रहा हूं फिर स्वर की ओर बढ़ता हूं। यहां पर क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है? छेच। छेच सूत्र कहता है छ धन अच। अब इसको हम उल्टा कर लेते हैं, अच पहले कर देते हैं और छ बाद में। अगर का अच माने होता है स्वर वर्ण, अगर प्रथम पद के अंत में स्वर आए, जबकि यहाँ पर स्वर कहाँ होता है? स्वर संधि में होता है। यहाँ क्या कह रहा है? व्यंजन होता है, लेकिन व्यंजन में ये अकेली एक ऐसी संधि है जहां पर प्रथम पद के अंत में क्या आए? स्वर आए और द्वितीय पद के प्रारंभ में अगर छ वर्ण हो तो चा का प्रादुर्भाव होता है। किसका प्रादुर्भाव होता है? जैसे पारि धन छेद, क्या बनेगा? परिच्छेद बनेगा। चा का सिर्फ प्रादुर्भाव होगा, कुछ नहीं फर्क पड़ता। हमने कहा अनु धन छेद, क्या बनेगा? अनुच्छेद बनेगा। हमने कहा वृक्ष धन छाया, क्या बनेगा? इसका वृक्ष छाया बनेगा। और ये उदाहरण अब तक सबसे अधिक बार पूछा गया है, तो हमेशा इसको याद रखिएगा। ये चार पांच ऐसे शब्द है, अनुच्छेद परिच्छेद विच्छेद वृक्ष छाया पदवी छात्र, इनमें हमेशा ये आता है। और बच्चे क्या भूल से लगा देते हैं, गलती करके क्या लगा देते हैं? यहाँ पर व्यंजन संधि लगा देते हैं, लेकिन ये व्यंजन संधि ना होकर वो स्वर संधि लगा देते हैं। स्वर संधि ना होकर क्या हो जाएगी? ये व्यंजन संधि है। कौन सी संधि रहेगी? व्यंजन संधि रहेगी जी, व्यंजन संधि है। हाँ, ये व्यंजन संधि है। ठीक, आओ अब बात करते हैं हम स्वर संधियों की। तो स्वर संधि में सबसे पहली संधि को, अच्छा स्वर संधि को और कहते क्या है पता है? स्वर संधि को और क्या, किस नाम से जानते हैं? अच के नाम से जानते हैं। स्वर, ये स्वर हमारे जो पांच संधियां हैं, तो हम स्वर संधि को अच संधि के नाम से भी जानते हैं। अगर पूछा जाए कि अच संधि किसका नाम है, तो स्वर संधि का ही दूसरा नाम है अच संधि। अब इसके अंतर्गत सबसे पहली जो संधि आती है, सबसे पहली संधि आती है दीर्घ संधि। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि में क्या होता है? इसका सूत्र होता है अकह सवर्णे दीर्घ। अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे दीर्घ का मतलब क्या होता है?
अकाश वर्ण दीर्घ का तात्पर्य होता है कि जब अक के समान वर्ण पड़ जाए, अक के समान वर्ण पड़े तो क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। शर्त ये रहा कि इसको दीर्घ स्वर संधि के नाम से भी जाना जाता है, दीर्घ संधि या दीर्घ स्वर संधि। कैसे? अब अक के अंतर्गत वर्ण कौन कौन से हैं? अक के अंतर्गत वर्ण है आ, ई, ऊ, री और ली। अगर ये पांच वर्ण है, इनके अलावा की बात नहीं की जा रही है, इसके अलावा कोई वर्ण आता है तो फिर दीर्घ संधि नहीं होगी, कोई और संधि होगी। अगर इनके समान कोई वर्ण है, मतलब प्रथम पद के अंत में ये वर्ण हो और दूसरे में भी समान वर्ण हो, तो क्या हो जाता है, रूप इसका दीर्घ हो जाता है। उदाहरण के तौर पर छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर क्या बनेगा, बड़ा आ। कैसे? अब हम इसका उदाहरण देते हैं। हमने कहा न्याय धन अधीश, न्याय धन अधीश। अब हम नियम जान लेते हैं। कई बार क्या होता है, नियम अगर नहीं पता होता है तो गलतियां हो जाती हैं। न्याय धन अधीश, तो यहां पर क्या बनेगा, हमने कहा न्याय में, अब देखो हमने आपको क्या समझाया था, ये प्रथम पद है और ये द्वितीय पद है। प्रथम पद का कौन सा वर्ण लेंगे, अंतिम, तो अंतिम या लेंगे, नहीं, या में भी अंतिम कौन है, इसमें भी कौन सा छुपा है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर छोटा आ छुपा हुआ है और इधर हमें दिख ही रहा है। हमने कहा था प्रथम पद का वो द्वितीय पद का प्रथम वर्ण देंगे, तो हमने फिर से आ दे लिया। हमने कहा दोनों को मिलाओ, आ आ मिलकर क्या बनेगा, क्यों, ये समान वर्ण है, तो आकाश वर्ण दीर्घा से ये बड़ा आ हो गया। अब यहाँ पर होता क्या है, हमारा जो न्याय था ये या हलंत बचा, क्यों हलंत बचा, क्योंकि इसमें से जो आ था वो निकल गया और निकल कर बाहर आ गया, यहाँ पर जो ये आ था वो भी निकल कर यहाँ पर आ गया, इन दोनों ने मिलकर बड़ा आ बना लिया, तो यहाँ पर भी बचा क्या हमारा, यहाँ पर भी केवल भीष बचा, और आगमन किसका हुआ, गड़े आ का। ठीक, अगर कभी भी हलंत व्यंजन के बाद में स्वर वर्ण आ जाए, हलंत व्यंजन के बाद में स्वर वर्ण आ जाए, तो हलंत व्यंजन अपने हलंत को त्याग कर स्वर का रूप घटाकर मात्रा के रूप में प्राप्त कर लेता है, तो हलंत हट जाएगा, रूप घट जाएगा और मात्रा बढ़ जाएगी, न्यायाधीश बन जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम कहते हैं जितने भी उदाहरण ऐसे आते हैं, जैसे अब एक उदाहरण है नारायण, एक उदाहरण हम ले लेते हैं, बहुत प्यारा सा उदाहरण है नारायण, नारायण। अब नारायण में क्या है, अब इसका विग्रह करो तुम, विच्छेद। देखो कई बार ऐसा होता है कि संधि पद तो हम कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं, संधि करना आसान होता है, विग्रह करना इसलिए थोड़ा सा कठिन होता है क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि उसका असली रूप क्या है, पढ़ना बहुत आवश्यक है। अगर आपने शब्दों को पढ़ा नहीं है तो आप वहां पर गलतियां करोगे, मुझे उम्मीद है कि आप गलती करोगे। नारायण का विच्छेद बताओ क्या होगा, नारधन आयन, आयन आपने आयन बोला ना, नारधन आयन, यही ना, नहीं आयन नहीं होगा, आयन होगा। अच्छा, शब्द कई बार जब मिलते हैं तो उसके आधार पर उनका रूप बदलता है, या के बाद इतना कुछ शब्द याद रखना, अगर या के बाद, शा के बाद, हा के बाद और रा के बाद ना वर्ण आए तो ना का राम हो जाता है, जैसे ही र न हिरण हो जाता है ना, रावण, रावण, हाँ वा भी आता है। ठीक, या वा शा हा रा, इनके बाद में ना आए तो बड़ा हो जाता है। ठीक है, राजस्थान हरियाणा बोला जाता है, हाँ खूब बोलते हैं, हाँ। जो पंजाबी होते हैं जैसे खाना पीना, हाँ, का प्रयोग अधिक करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अपना ये देखते हैं, ये कुछ व्याकरणिक हमारे नियम बनते हैं। आओ बात करते हैं नारायण, तो नारायण बन जाएगा, तो यहाँ नार माने होता है पानी, नार माने पानी और अयन माने घर, जिसका घर कहाँ हो, पानी में हो, और इसीलिए उनको क्या कहा जाता है नारायण, क्योंकि वो क्षीर सागर में शयन करते हैं। चल रहा, क्षीर सागर शयन करने वाले को क्या कहते हैं, जिसका घर पानी, जब बरसात होती है तो हम सभी क्या हो जाते हैं, नारायण हो जाते हैं, क्योंकि हमारा सबका घर पानी में कहीं कहीं पर होता है, तो नारायण। इसके बाद में और भी उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने कहा दैत्यारि, दैत्य धन आरि, तो क्या बनेगा इसका, दैत्यारि, दैत्य माने राक्षस, आरि माने दुश्मन, जो दैत्यों का दुश्मन हो, दैत्यारि किसे कहते हैं,
दुश्मन हो भगवान विष्णु को, तो इसका रूप बनेगा दैत्यार। हरि माने दुश्मन, ठीक है। इसी तरह से उदाहरण है आपका परिधन इच्छा, एक शब्द आता है परीक्षा, ठीक। तो परीक्षा में जो विच्छेद होगा वो क्या होगा, परिधन इच्छा, परिधन इच्छा परीक्षा। क्या ये सही लिखा है, नहीं। शुद्ध वर्तनी का भी ध्यान देना, ऐसा नहीं होता विकल्प में परिधन इच्छा परीक्षा तो आप इसी को लगाए, नहीं। क्या होता है विकल्प में आपको खूब भूल जाएगा, जैसे देख दिया परीक्षा परीक्षा, ठीक। अब आप जल्दबाजी में बोले यही ठीक है, क्यों यही ठीक है, क्योंकि आपका लिखा क्या होगा परिधान इच्छा, ये विकल्प आपका विक्रा पद है, विच्छेद पद है। अब इसकी संधि क्या होगी, ये वाला होगा, नहीं ये होगा। क्यों क्यों ये होगा, उसका उत्तर ये है कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपकी छोटी ही है, रामे क्या है छोटी, फिर इधर क्या है बड़ी ई। देखो है तो समान ही वर्ण, तो आकाश वर्ण दीर्घ से क्या बन जाएगी बड़ी, तो यहाँ पर बचा क्या परहलन, क्या बचेगा परहलन बचेगा, आगे क्या बचेगा शा बचेगा, और ई जिसका तस आपका यहाँ पर उतर आई, हलंत हटेगा, हमने कहा था रूप घट जाएगा इसका, और चूंकि बड़ी है ना तो मात्रा बड़ी की लगेगी, तो क्या बनेगा परीक्षा। तो इस चीज का भी ध्यान देना है, शुद्ध वर्तनी क्या रहेगी, शुद्ध वर्तनी भी हमें संधियों से सीखने को मिल जाती है, परिधन इच्छा परीक्षा। प्रतिधन इच्छते, प्रतिधन इच्छते तो क्या बनेगा प्रतीक्षते, क्या बनेगा प्रतीक्षते, इसका विच्छेद कर लोगे, हाँ एक है लघुर्वी, लघु प्लस पूर्वी, लघु लघुर्वी, लघुर्वी। अब लघुर्वी का विच्छेद करो जरा, लघुर्वी का विच्छेद क्या होगा, लघु पूर्वी, लघुधन पूर्वी, लघुधन पूर्वी। पूर्वी माने क्या होता है, पूर्वी माने होता है भूम, पूर्वी माने भूम, छोटी भूम, भूमि का छोटा टुकड़ा। चमूर्जा, चमूर्जा, चमूर्जा का विच्छेद क्या होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, चमु प्लस ऊर्जा क्या होगा, चमु प्लस ऊर्जा, चमुधन ऊर्जा क्या होगा, चमुधन ऊर्जा। ऊर्जा शब्द बड़ा हुआ होगा या छोटा हुआ, छोटा हुआ होगा या बड़ा हुआ, बड़ा होगा, बड़ा होगा, इसमें छोटी हुआ की मात्रा, हाँ बस इसीलिए पूछा था, फिर गलती कर बैठे हो, ये सब बड़े चमु उधर लिखा है, चमु माने क्या होता है, चमु कोई शब्द नहीं है, सत होता है चमु, बस विच्छेद में यही चीजें ध्यान देनी, मालूम हुआ संधि पद दे दिया और कहा इसका विच्छेद करो, अब तुम चमुधन ऊर्जा करके आए हो। ध्यान देने वाली बातें यही है, आप कर तो लोगे लेकिन सटीक कौन सा है, सही विधि कौन सी है, आपको चार ऑप्शन देगा, चार ऑप्शन में आपको तो भ्रमित करेगा, उसका काम ही यही है भ्रमित करना, और आप भ्रमित नहीं हो, उसके लिए क्या करना है, आपको ध्यान पूर्वक किताब में जो आपके उदाहरण दे रखे हैं उनको ध्यान से पढ़ो, उसमें मात्रा कैसी लगी है। चमु माने क्या होता है, चमु माने होता है सेना, चमु माने सेना, सैनिकों का जत्था उसको चमु कहते हैं, सैनिकों का सेना की ऊर्जा, चमूर्जा सैनिकों की ऊर्जा, चमूर्जा। बात समझ में आ गए, तो इसी तरह से आप उदाहरणों को निकालेंगे, जैसे हमने कहा गुरु उपदेश, गुरु प्लस उपदेश, हाँ बिल्कुल गुरुधन उपदेश, अभी हम लिख रहे हैं उसमें बताना हमने कहा गुरु उपदेश, चलो विग्रह से शुरू करते हैं, विच्छेद से गुरु धन उपदेश,
गुरु उपदेश है ना, तो क्या ये सही लिखा है? सही लिखा है ना। एक दूसरा लिख रहा हूं, ये ए ऑप्शन है और एक बी ऑप्शन है। और उदाहरण का जो संधि पद होगा वो होगा गुरु उपदेश, ठीक है। अब हम लिख रहे हैं फिर से दोबारा, गुरु धन उपदेश, दोनों में ए। अब इसका विच्छेद तुमको बताना है, फर्स्ट विच्छेद सही है या सेकंड विच्छेद। हम दो ही ऑप्शन दे रहे हैं, आर पार का मामला, दोनों सही है। नीचे आप देते हो और गुरु ये नीचे वाला बी वाला। हाँ अभी तो सभी लोग कह रहे थे कि ऊपर वाला सही है। गुरु शब्द नहीं होता है, गुरु किने कहा जाता है, जो सुती आवाज होते हैं और गुरु गुरुदेव होता है, ये होता है गुरुदेव। ये सम्मानित शब्द है और ये अपमानित शब्द है, समझ रहे हो। तो सम्मानित शब्द क्या होता है? छोटे ओ की मात्रा वाला, छोटे ओ की मात्रा में गुड्डी नहीं बनी होती, किताब में भी देखना, और बड़े ओ की मात्रा में गुड्डी बनी होती है रा के योग में। तो गुरु धन उपदेश, गुरु उपदेश, तब ये शब्द बनेगा। क्यों? अकह सवर्ण दीर्घ, अकह सवर्ण दीर्घ, तो यहाँ पर फिर बड़े ओ की मात्रा लगी, तब बड़े ओ की मात्रा लगी, गुरु उपदेश। समझ में आ रहा है? ठीक ठाक लग रहा है? हाँ। ये बोलता है धी धन ईश, धी धन ईश, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा इसका संधि पद, क्या बनेगा? धीश ही बनेगा, धीश का धीश बनेगा, धी धन ईश धीश। धीश किसे कहते हैं? धी माने क्या होता है? धी माने क्या होता है? धी माने होता है बुद्ध, धीमताम, क्या कहते हैं ना, धीमताम कहते हैं ना, बुद्धि को धारण करने वाला। धीश माने जो विद्वता का भगवान हो, द्वारिका धीश, धीश का मतलब अधिष्ठाता, बुद्धि का अधिष्ठाता, ठीक है। और इसके और हम उदाहरण आपको दिखा रहे हैं, जरा बंद करो दोस्तों।